हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए, लास्ट टाइम पे मैंने आपको होमवर्क दिया था, है ना। तो ये इसका क्या, किस तरीके से करना है इसको, देखिए ये होमवर्क का लोगो तो हटा देता हूँ। देखो अब इसको किस तरीके से करना है ना। तो सिंपल है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बस ये है कि कुछ चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। देखो सबसे पहले तो आप ये बात, तो इसको क्या है, साइमल्टेनियसली एक साथ बोल रहा है ना ये, एक साथ तो मतलब हमें इंटरसेक्शन लेना होता है। तो आप पहले इसको अलग अलग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए इसे करना है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू, और क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल जीरो, ठीक है। और इसके लिए फिर वही, ये लो, ये हो जाएगा हमारा क्या माइनस टू, और ये हो जाएगा हमारा क्या प्लस का टू, ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है। उसके बाद में प्लस पे ही बात करना है, ग्रेटर इक्वल जीरो, तो एक यहाँ ड्रॉ कर दिया, एक यहाँ ड्रॉ कर दिया। न्यूमरेटर के हैं इनइक्वलिटी लगी हुई है, तो डार्क सर्कल आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। इसको यूं ही छोड़ दो, क्लियर। अब इस पे आ जाओ, तो इसके लिए क्या करना है साहब, इसके लिए इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्स माइनस फोर और एक्स प्लस टू, एक्स माइनस फोर और एक्स प्लस टू, और ये ग्रेटर इक्वल जीरो। तो इसमें भी वही ये करो, और माइनस टू, और ये क्या है फोर, इनइक्वलिटी लगी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाले चाहिए तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। थोड़ा सा मैंने इसको ज़्यादा कर दिया, कोई बात नहीं है, कुछ एक आएंगे अभी भड़कते हुए। देखो अब आ गया, तो और इनइक्वलिटी लगी है, तो इसमें भी डार्क सर्कल, इसमें भी डार्क सर्कल, क्लियर पक्का। उसके बाद देखो आगे, अब एक इसको कर देते हैं, इसमें क्या है नेगेटिव है ना, तो इसमें पहले आप इनइक्वलिटी चेंज कर दो, ये कर दो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर, और इनइक्वलिटी चेंज करके लेस देन इक्वल टू जीरो। इसके एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस वन इसके फैक्टर हो जाएंगे, एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस वन, और ये लेस देन इक्वल टू जीरो। लेस देन इक्वल टू जीरो अगर है तो अब क्या करें, अब लगाओ वही ये, और चलो इसको यहाँ नहीं, मैं इसको थोड़ा सा पास में बना देता हूँ, इसके यहाँ ये इनको बना देंगे, ठीक है। तो ये लो इनइक्वलिटी हो गई, एक वन पे और एक फोर पे, एक ये रहा वन ये रहा फोर, पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसमें लेस देन इक्वल टू यानी नेगेटिव वाले चाहिए तो ये नेगेटिव पे लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद में इनइक्वलिटी चाहिए तो दोनों पे डार्क सर्कल आ गया, क्लियर पक्का। वन और फोर पे डार्क सर्कल आ गया। अब हमें क्या करना है, इन इन तीनों का क्या कर लेना है, इसका इसका और ये इसका लेंगे हम इंटरसेक्शन, क्या लेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है। तो देखो इंटरसेक्शन कैसे लेना है, सिंपल है। इसमें सबसे पहले तो इसका ये लाइन ड्रॉ कर दो, देखो हो गई लाइन ड्रॉ। उसके बाद देखो तो लाइन ड्रॉ करने के बाद इनको सबको डिनोट कर दो, जैसे देखो माइनस टू ये रहा इसका सब, और ये किया रहा माइनस टू, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, वन आएगा, तो ये लिख दिया मैंने वन। उसके बाद क्या है, टू और फोर, तो ये टू आ गया और ये क्या आ गया, फोर आ गया, ठीक है। अब इनको सबको इस पे डिनोट कर देंगे, तो देखो माइनस टू से इन्फिनिटी, साइन तो छोड़ो, ये लो साहब, क्लियर। उसके बाद में एक और बैठा है, ये भी कह रहा है माइनस टू से इन्फिनिटी, ये भी डार्क सर्कल वाला ही है, लो ये लो हो गया, क्लियर। उसके बाद में वन से लेकर फोर, ये वन से फोर रहा, तो ये ले लिया वन, और ये आ गया फोर, क्लियर। उसके बाद में और क्या है, उसके बाद में एक है फोर से इन्फिनिटी, ये रहा, तो ये रहा फोर, और ये फोर से ले लो इन्फिनिटी, और क्या है,
और है टू से इन्फिनिटी, ये रहा टू से इन्फिनिटी। बहुत ही गजब टाइप का क्वेश्चन है, गजब गजब टाइप का क्वेश्चन है ये। देखो एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। चलो है ना, नहीं तो डिस्टर्ब देता है करता। आगे देखो, अब ये क्वेश्चन आ जाएगा ना तो समझ भी नहीं आएगा कि यार ओवरलैप कौन कहाँ कर रहा है। जहां से ये दोनों जाते हैं वहां से जो है, और एक-एक इसने एक बात और कही है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स से ऑफ एक्स साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइंग। वैल्यू पता करनी है, रेंज नहीं, वैल्यू। तो देखो गौर करो इसमें एक चीज, देखो ये जो वैल्यू है कौन सी वाली, ये है ना, तो ये वैल्यू 4 आ गई है जिसपे ये तीनों आपस में ओवरलैप होते हैं। तो इन सब का ये जो हमने जब इंटरसेक्शन लिया, तो या तो इसको आप ऐसे कह दो कि एक्स बिलोंग्स टू 4, और जब एक सिंगल टन ही होता है तो हम एक्स इक्वल टू 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, इस तरीके से ये होगा। और आगे बात करते हैं, देखो स्पेशल केस पे बात करते हैं थोड़ा। देखो स्पेशल केस, व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव कॉमन फैक्टर, स्पेशल केस। ठीक है, और वो क्या है, व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव कॉमन फैक्टर, व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव कॉमन फैक्टर। वेट,